वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं शाज़िब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आईफोन 14 का रिव्यू। आपको बताएंगे क्या 2024 में आपको आईफोन 14 देखना चाहिए या फिर लेटेस्ट आईफोन 15 सीरीज के साथ जाना चाहिए। करंट प्राइसिंग की बात करें तो आईफोन 14 अभी 60,000 के प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहा है, और जब भी कोई सेल वगैरह आती है तो ये पहुंच जाते हैं भाई साहब 50,000 के अराउंड। तो चलिए चेकआउट करते हैं आईफोन 14 को 2024 में। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द पूरे हो जाएंगे अगर आप दबा देंगे सब्सक्राइब का बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स के बारे में। आईफोन के डिजाइन से तो आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे अभी तक, और ये आईफोन 14 जो है एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है आईफोन 13 की तरह। बैक से अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि आपने हाथ में 13 ले रखा है या फिर 14। बैक में आपको मिलता है ग्लास फिनिश, फिंगरप्रिंट मैग्नेट ये भी रहता है, काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है। कैमरा मॉड्यूल्स जो है वो आपको डायगोनल शेप में देखने को मिलेंगे, जैसे आपको आईफोन 13 में मिलते हैं। फ्लैट एजेस के साथ ये फोन आता है, एल्युमिनियम का फ्रेम दिया गया है, काफी ज्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है आईफोन 14 की। हाथ में पकड़ने में काफी कॉम्पैक्ट दिखाई देता है क्योंकि ये 6.1 इंच के डिस्प्ले साइज के साथ आता है। एंड स्पेशली जो स्टार लाइट वाला कलर ऑप्शन है वो मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, एंड ये इनका हॉट सेलिंग कलर है एप्पल का। पोर्ट्स एंड बटन्स के ऊपर आ जाते हैं। साइड में आपको मिलेगा पावर बटन, नीचे की तरफ दिया गया है लाइटनिंग पोर्ट, साथ में स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। राइट साइड में आइए तो यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर आपको मिलेगा जो 15 प्रो सीरीज में नहीं मिलता है। उसके नीचे हैं वॉल्यूम के बटन्स, देन वी हैव सिम ट्रे, एक फिजिकल सिम लगा पाएंगे और एक ई सिम का ऑप्शन आता है, ये तो आपको पता ही है। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है 6.1 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी पैनल। 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस होती है, 1200 निट्स की आउटडोर पीक ब्राइटनेस जाती है, एंड एचडीआर कंटेंट में भी 1200 निट्स तक ये जाती है। नॉच की बात करें तो एक आउटडेटेड नॉच यहाँ पे आपको मिलती है, अब तो डायनेमिक आइलैंड आ चुका है बट यहाँ पे इसी तरीके से काम होता है। बेजल्स आपको हर तरफ से इवन देखने को मिल जाते हैं। बात करें HDR कंटेंट की तो HDR में भाई यहाँ पे कंटेंट नेक्स्ट लेवल पे प्ले होता है। ट्रू ब्लैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, YouTube के ऊपर एक वीडियो प्लेबैक हमने करके देखा भाई, काफी कमाल के कलर्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वीडियो का प्लेबैक है वो काफी जबरदस्त क्वालिटी में आप कर पाएंगे। परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाते हैं, आईफोन 14 में आपको मिलती है एप्पल की A15 बायोनिक चिप, स्लाइटली इंप्रूव्ड ये चिप रहने वाली है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आईफोन 13 से। जस्ट एक जो कोर जीपीयू है उसको बढ़ा दिया गया है, 5 कोर के जीपीयू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 6GB की यहाँ पे रैम आती है, और यहाँ पे जो ये डिफरेंस आ रहा है 1 कोर जीपीयू का ये आपको दिखाई देता है एंटूटू बेंचमार्क के रिजल्ट्स में। आईफोन 14 में एंटूटू के रिजल्ट्स निकल के आते हैं 13 लाख के अराउंड, भाई अगर आप इसको कंपेयर करें आईफोन 13 से तो वहाँ पे 12 लाख के थे। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस भाई स्लाइटली इंप्रूव हुई है तो थोड़ी सी और बेटर मिल जाएगी अगर आप देखें आईफोन 13 के मुकाबले में। गेमिंग एक्सपीरियंस काफी कमाल का आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे 60Hz का डिस्प्ले है तो आपकी जो गेमिंग रहने वाली 60fps तक ही जाएगी। एंड ये चीज आईफोन 15 सीरीज में भी बनी हुई है कि नॉन प्रो वेरिएंट 60Hz के साथ आते हैं, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट फील मत कीजिएगा आईफोन 14 परचेज करने के बाद। BGMI की टेस्टिंग हमने करके देखी है, हर एक फ्लैगशिप के ऊपर आप BGMI टेस्ट ही करके देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, तो भाई काफी कमाल का गेम प्ले निकल के आता है स्मूथ सेटिंग्स पे, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होता है। एंड अगर आप अल्ट्रा HD या फिर HDR के ऊपर गेम प्ले करेंगे तो स्लाइटली आपको वार्म फील कराएगा क्योंकि भाई सेटिंग्स ही बहुत हाई हो जाती हैं, ग्राफिक्स कमाल के निकल के आते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं हाई सेटिंग्स पे गेम प्ले तो आईफोन 14 आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन हाई के ऊपर अगर आप गेम प्ले करते हैं तो बैटरी बैकअप आपका बहुत कम हो जाएगा। एंड मैंने इसे कंपेयर भी करके देखा आईफोन 13 के साथ, तो आईफोन 14 की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई ज्यादा खास आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। कैमरा के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको रियर में मिलता है डुअल कैमरा सेटअप जो की वर्टिकली प्लेस किया गया है। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, एंड जो सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं 4K 60fps के अंदर विद स्टेबलाइजेशन, एंड स्टेबलाइजेशन भाई यहाँ पे काफी कमाल की देखने को मिलती है। वीडियो में जो कलर्स वगैरह हैं वो भी बहुत जबरदस्त निकल के आ जाते हैं। डे लाइट में एक सैंपल हमने शूट करके देखा है, वो आप देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी निकल के आ रही है। बात की जाए सिनेमैटिक मोड की, जो एक पोर्ट्रेट मोड होता है जहाँ पे आप वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको मिलता है 4K 30fps का ऑप्शन। तो अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो बनानी है तो आप सिनेमैटिक मोड को यूज कर सकते हैं। एक अपग्रेड यहाँ पे आता है एक्शन मोड का, जो आपको आईफोन 13 में नहीं मिलता है। इसमें भाई स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, आप दौड़ते हुए भी वीडियो बनाते हैं तो काफी ज्यादा स्टेबल निकल के आती है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 2.8K 60fps में आप एक्शन मोड में वीडियो बना सकते हैं। फोटोज की बात की जाए तो आईफोन 14 में भी काफी कमाल की फोटोज आपको मिल जाती हैं। डिटेल्स यहाँ पे बढ़ गई हैं अगर आप कंपेयर करेंगे आईफोन 13 के कैमरा के साथ, तो थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा डिटेल्स में। कलर्स वगैरह सैचुरेशन वगैरह काफी मेंटेन रखता है ये, काफी ज्यादा नेचुरल साइड में फोटोज निकल के आती हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफी जबरदस्त एज डिटेक्शन है, ब्लर का अमाउंट जो है वो भी काफी कमाल का है। फ्रंट के ऊपर आए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहाँ पे आप बना सकते हैं 4K 60fps में वीडियोस, एंड सिनेमैटिक मोड में बना पाएंगे 4K 30fps में। वीडियोस भाई काफी कमाल की निकल के आती है फ्रंट कैमरा के ऊपर भी, तो अगर आप एक व्लॉगर हैं तो आप इसके फ्रंट कैमरा को यूज कर सकते हैं
जबरदस्त क्वालिटी की वीडियोस आपको मिलेंगी। फोटोज के ऊपर आए तो आईफोन 14 में थोड़ी सी डिटेल मुझे ज्यादा नजर आई, मैंने इसको कंपेयर करा साइड बाय साइड आईफोन 13 की फोटोज के साथ, तो भाई 14 की जो फोटोज थी वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। स्किन टोन्स भी जो है ना वो आईफोन के अंदर मुझे काफी अच्छी लगती है अगर मैं कंपेयर करूँ एंड्रॉइड के साथ। बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आईफोन 14 में आपको थोड़ी सी स्लाइटली इंप्रूव बैटरी मिलेगी आईफोन 13 के कंपैरिजन में। एमएएच में देखेंगे तो 3300 के आसपास ये चली जाती है। एंड बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा सिमिलर है आईफोन 13 से आईफोन 14 के अंदर, 4.5 घंटे से 5 घंटे के बीच में आपको यहाँ पे ही बैटरी बैकअप मिलता है अगर आप एक हैवी यूजर हैं। एंड अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, वीडियो शूट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे इस फोन के साथ, तो आपको 6 घंटे तक भी स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के ऊपर आते हैं, आईफोन 14 में अभी चल रहा है भाई iOS का वर्जन 17.2.1, तो भाई ऐसा आपको कोई भी इशूज देखने को नहीं मिलते हैं आईफोन 14 के साथ, काफी कमाल का एक्सपीरियंस रहता है, कोई भी ग्लिचेस वगैरह नहीं आए जितना मैंने इसको यूज करा है। हालांकि 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है बट ये ज्यादा फील नहीं कराता है। अगर आप 60Hz के यूजर रहे एंड्रॉइड के ऊपर और इसके ऊपर स्विच करेंगे तो आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, बट अगर आप एक 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले फोन से स्विच करने वाले हैं आईफोन 14 के ऊपर तो डिफरेंस महसूस होता है। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है भाई वो नेक्स्ट लेवल पे आपको देखने को मिलती है, एप्लीकेशंस काफी बढ़िया तरीके से काम करती हैं एंड मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे काफी कमाल का है। ऐप्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड में आपको बहुत मजा आने वाला है, जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं उनके बीच में स्विच करते हैं तो कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। बाकी जितने बग्स वगैरह आते हैं टाइम टू टाइम उसको फिक्स भी कर दिया जाता है एप्पल की तरफ से एक छोटे से अपडेट के साथ। अपडेट पॉलिसी भी काफी कमाल की रहती है एप्पल की, तो अगर आप आईफोन 14 को परचेज करेंगे तो 2028 तक तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ बन जाता है ये फोन। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, आईफोन 14 में आपको बहुत सारे 5G के बैंड्स मिलेंगे, काउंट करने पे 25 निकल रहे हैं, तो स्पीड भी काफी कमाल की निकल के आती है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप स्पीड टेस्ट करेंगे आईफोन 13 एंड 14 के बीच में। ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे मिलेगा 5.3 का, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, NFC के साथ ये फोन आता है एंड यहाँ पे आपको क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी मिलता है एप्पल की तरफ से, तो ये एक प्लस पॉइंट बनता है, हालांकि इंडिया में ये काम नहीं करता है। एंड IP रेटिंग काफी कमाल की है, IP68 रेटेड ये फोन है, तो अगर आप इसको पानी वानी में भी गिरा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 30 मिनट्स के अंदर इसको निकाल लीजिएगा वरना ये आपको टाटा बाय बाय कर देगा। सेंसर्स की बात करें तो आईफोन 14 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स मिल जाते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज कोई कटौती नहीं की जाती सेंसर्स के मामले में फिंगरप्रिंट को छोड़। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, बॉटम पे दिए गए स्टीरियो स्पीकर्स, स्पेशल ऑडियो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आईफोन 14 आता है, तो मल्टीमीडिया के मामले में काफी तगड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। लाउडनेस भी भाई काफी कमाल की है आईफोन 14 में। तो चलिए बात कर लेते हैं एंड में अपने ओपिनियन के बारे में, क्या आपको आईफोन 14 2024 में देखना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्राइस पॉइंट काफी ज्यादा मैटर करता है आईफोन 14 एंड 13 के लिए। अगर आपको आईफोन 14 की डील मिलती है 50,000 से लेके 55 के बीच में तो आईफोन 14 आपको जरूर पिक करना चाहिए। वहीं अगर इसकी प्राइसिंग 60,000 रहती है और आईफोन 13 आपको मिलता है 50,000 में तो आपको इसके साथ जाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक कैमरा के अंदर एक्शन मोड नहीं मिलता आईफोन 13 में, बाकी दोनों आईफोन काफी ज्यादा सिमिलर हैं, तो अपने थोड़े से पैसे बचा लीजिए कहीं और इन्वेस्ट कर लीजिएगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आईफोन 14 के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं आप लोग, 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी पूरे होंगे। मिलते हैं आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह हैव अ नाइस डे।